ब्लैका का स्वागत केवीर का दूसरे व्यवाली स्वागत की श्रृंखला में पटका भाभी और भाई साहब दोनों लोग पहना रहे तालियों के साथ का स्वागत और चांदी का मुकुट और हमारी मुकुट को पहना दिया गया तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ जय जय हमारे बीच विनीत पांडे जी बैठे हुए हैं उनका वो यहां से श्री राम का फूल फेंक कर यहां से स्वागत करें और जिसका हमें इंतजार था अमृत सम्मानीय अतिथिगण जिन्हें मेरा भगवान राम के चरणों में आज रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रणाम निवेदित करती हूँ। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करती हूँ और बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ भाई एमपी सिंह तोमर जी को, उनके पूरे परिवार को, पुत्र जयवीर को, जिन्होंने बहुत अच्छी सी राम की प्रतिमा आज रामनवमी के पावन अवसर पर इस प्रांगण में स्थापित कराई। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि पूरे परिवार पर, हम सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कितने वर्ष लगे, कितना संघर्ष हुआ और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम
अयोध्या में भव्य मंदिर की स्थापना हुई और मंदिर के कार्य का काम, निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इटावा में मुझे लगता है कि पहला ऐसा मंदिर है जिसमें यह अद्भुत राम की प्रतिमा मंदिर में स्थापित हुई है। मैं पूरे तोमर परिवार को एक बार फिर से बधाई देती हूँ। मेरे साथी पूर्व सांसद आदरणीय रघुराज साक्य जी भी यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हैं। उनको भी आज रामनवमी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष के साथ उत्तर प्रदेश में 277 विधायकों के बड़े बैंडेड के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। हम सब मिलकर एक बार फिर 2022 में जैसे सरकार बना रहे हैं, 24 में सरकार बनाएंगे। यही संकल्प आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के श्री चरणों में लेते हुए और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों का बस वही रहे कि जो इच्छा करियो मनमाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रहे, सब पर आशीर्वाद रहे। आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मंच पर मेरे बहुत ही विशेष रूप से प्रदीप जी, आदरणीय राम कुमार।